गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है तो देखिएगा, डायबिटीज़ का मीन होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन, यूरिन का एक्सेसिव बनना और बाहर निकलना, ठीक है। अब मेलाइटस का मीन होता है शुगर या हनी या स्वीट, मतलब मीठा। तो एक्सेसिव यूरिन का बाहर आना और शुगर का बाहर आना, इट्स मीन डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी देखिएगा डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन है इसकी वो बोलती है, इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड इनइफेक्टिव इंसुलिन ऑन द सेल। मतलब डायबिटीज़ जो है ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इन बीच इसके अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज और मिया मतलब ब्लड। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, इसी को बोलते हैं डायबिटीज़। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब इसके अंदर क्यों हो रहा है ये, तो देखिएगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की डेफिशिएंसी के कारण एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। अब इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा, एंड इनइफेक्टिव इंसुलिन ऑन द सेल। अब मान लो एक तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, इंसुलिन की कमी आ रही है, या इनइफेक्टिव इंसुलिन काम नहीं कर रहा है ऑन द सेल्स, सेल्स से जुड़ नहीं रहा है, ठीक है, तो भी इसको अपन क्या बोलेंगे, डीएम, डायबिटीज़ मेलाइटस। अब आगे देखिएगा फंक्शन, इंसुलिन के क्या फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। सेकेंड देखिएगा, ब्लड ग्लूकोज ट्रांसफ़र इन टू द सेल, ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ट्रांसफ़र करता है इनटू कहाँ पर, बॉडी की सेल्स में, ठीक है। थर्ड जो है इसका फंक्शन है वो देखिएगा, एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज स्टोर इन द लीवर एंड मसल्स इन ग्लाइकोजन फॉर्म। अब जब एक्सेसिव ग्लूकोज अगर बॉडी के अंदर है तो वो स्टोर हो जाता है कहाँ पर, लीवर में एंड मसल्स में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन, और अगर ज़्यादा है तो उसको स्टोर कर देता है लीवर के अंदर या मसल्स के अंदर। अब अगर इंसुलिन की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ग्लूकोज का ट्रांसफ़र नहीं होगा सेल्स तक, और स्टोर नहीं हो पाएगा ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन जनरेट होगी अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो। ये तीनों फंक्शन जो है, मेनली तीन फंक्शन है, वो नहीं हो पाएंगे। अब आगे देखिएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अपने सामने लिखा हुआ है टू टाइप्स की डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड है टाइप सेकेंड। अब जो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे वो है टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट को अपन बोलते हैं IDDM, मतलब है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी डायबिटीज़ मेलाइटस जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है वो आएगी टाइप फर्स्ट में, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें देखिएगा, इट इज़ आल्सो नोन एज जुवेनाइल DM, इसको जुबेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोला जाता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये 20 ईयर से पहले देखी जाती है, मतलब 20 ईयर तक का अगर कोई पर्सन है तो उसके अंदर जुबेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलती है, मीन IDDM देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कंप्लीटली डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जब कंप्लीटली डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की, तो ऐसे पेशेंट को डिपेंड रहना पड़ेगा इंसुलिन पर, बाहर से उसको इंसुलिन के इंजेक्शन अपन देते हैं। तो ऐसी टाइप जो है
क्लासिफिकेशन में टाइप फर्स्ट में आता है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। ये 20 ईयर से कम में देखा जाता है और कम्प्लीटली डेफिशिएंसी होती है इसके अंदर इंसुलिन की। अब देखिएगा ऐसे पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट है कीटोसिस। ऐसे पेशेंट के अंदर कीटोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। सेकंड है मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, फैटिक थकान देखने को मिलेगी, और इसका जो कॉम्प्लिकेशन होगा DKA, ये लिखा हुआ DKA मतलब है डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस। अब देखिएगा कीटोसिस लिख रखा है, मतलब ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर कीटोन बॉडी बन रही हैं। अब कीटोन बॉडी कैसे बनती हैं, तो कीटोन बॉडी जो बनने का रीज़न है वो ये है कि बॉडी के अंदर जो फैट है, ठीक है, अब जो फैट है वो एनर्जी तो चाहिए, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल है ही नहीं बॉडी के अंदर। अब बॉडी के सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। अब जो भी फैट का डिपोजिशन है, फैट जमा हुआ है, वो टूटेगा किसके अंदर, फैटी एसिड, और फैटी एसिड के अंदर टूटेगा तो कीटोन बॉडी बनेगी। अब यहाँ ये फैटी खुद ही एसिड है तो एसिड की कंडीशन जनरेट होगी और जो ब्लड की पीएच है वो डाउन होगी, ठीक है, ब्लड की जो पीएच है वो डाउन होगी, तो ऐसी कंडीशन डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस में देखी जाती है। और ये IDDM में देखी जाएगी, मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अब कीटोसिस आप समझ गए, मतलब कीटोन बॉडी का बनना, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, मतलब एसिडोसिस इसलिए हुआ है, फैटी एसिड हुआ है और एसिड की वजह से जो पीएच है ब्लड की वो भी एसिडिक हो गई है, ठीक है, और फैटिक होगा, इसमें थकान देखने को मिलेगी क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन रहेगा ऐसे पेशेंट में। आगे देखिएगा ऐसे क्या क्या कोज हो गए जिसकी वजह से टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ होने के चांस होते हैं। तो फर्स्ट है बीटा सेल डेक्स्ट्रेशन। अपन को पता है बीटा सेल्स से ही इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो पैनक्रियाज की टेल होती है उसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, मतलब बीटा सेल्स का डेक्स्ट्रेशन हो गया तो आइसलेट से क्या नहीं निकलेगा, इंसुलिन नहीं निकलेगा, और इंसुलिन नहीं निकलेगा तो इसके कारण टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ होने के चांस होंगे। अब देखिएगा और कारण हो सकते हैं इसके, जेनेटिक कोज हो सकते हैं, मतलब लाइक हेरिडिटी, अगर माँ बाप को रही है तो उस बच्चे को भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़, कोई भी ऐसी एंटीबॉडी बन जाती है जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स को या बीटा सेल्स को ही डेक्स्ट्रेट कर देंगी तो उसके कारण भी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप फर्स्ट हो सकता है। आगे देखिएगा पैनक्रियाटोमी, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन जनरेट हो गई है जिसकी वजह से पैनक्रियाज को ही निकालना पड़ गया है तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन हो गया है पैनक्रियाज के अंदर तो उसके कारण भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। अब देखिएगा टाइप सेकंड, वो तो था टाइप फर्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, अब ये है टाइप सेकंड NIDDM, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर इंसुलिन पर डिपेंड नहीं रहता है पेशेंट। अब ये किस में होती है, तो इट अकर अबाउट 40 ईयर के लगभग 40 ईयर वाले पेशेंटों में ये देखने को मिलती है। इंसुलिन प्रेजेंट बट इन इफेक्टिव ऑन सेल, यहाँ पर क्या होगा, इंसुलिन प्रेजेंट होगा बट इन इफेक्टिव ऑन सेल, मतलब वो वहाँ पर सेल्स पर जाकर बाइंड नहीं होगा, उस सेल्स पर, बॉडी की सेल्स पर वर्क नहीं करेगा, मतलब इंसुलिन तो निकाल रहा है पैनक्रियाज बट सेल्स पर जाकर वो वर्क नहीं कर रहा, इनइफेक्टिव रह रहा है। तो इट अकर अबाउट 40 ईयर, ये 40 ईयर के लगभग देखी जाती है, इंसुलिन प्रेजेंट होता है बट इन इफेक्टिव ऑन सेल्स, सेल्स पर इफेक्टिवनेस, मतलब वो वर्क नहीं कर पाता। अब ऐसे पेशेंट को अपन इंसुलिन नहीं देते हैं, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को इंसुलिन नहीं देते हैं जब भी, तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है क्योंकि इंसुलिन तो बन रहा है बॉडी के अंदर, इंसुलिन तो है बट सेल्स पर वर्क नहीं कर रहा है। अब इसके कारण क्या होते हैं, तो देखिएगा इसका जो मेन कॉज है, ओबेसिटी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज,
जो मोटापा है यही इसका मेन कॉज है। आगे देखिएगा साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में कॉमन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड के साइन एंड सिम्टम देखेंगे अपन दोनों डायबिटीज़ मेलिटस के। तो देखिएगा कुछ कार्डिनल साइन होते हैं, मतलब उनको देखकर ही आप बता दोगे कि हाँ ये डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है ऐसे पेशेंट में, जैसे पोलीयूरिया, पोलीफेजिया एंड पोलीडिप्सिया। अब पोलीयूरिया का मतलब है यूरिन का एक्सेसिव सीक्रेशन, एक्सेसिव प्रोडक्शन होना, ठीक है। पोलीफेजिया का मतलब है बहुत ज़्यादा हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख लगना। और पोलीडिप्सिया का मतलब है बहुत ज़्यादा थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ऐसे पेशेंट में एक्सेसिव यूरिन होगा। पोलीफेजिया ज़्यादा उसको भूख लगेगी और पोलीडिप्सिया बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी। ये इसके कार्डिनल साइन होते हैं टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड, कॉमन देख रहे हैं अपन। अब आगे देखिएगा और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ऐसे पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा, ग्लाइकोयूरिया मतलब ग्लूकोज के यूरिया के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और कितना बढ़ा हुआ तो देखिएगा इस ग्रेटर देन 180 mg per dl से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा यूरिन के अंदर ग्लूकोज। इसी कंडीशन को रीनल थ्रश होल्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसे पेशेंट के अंदर फैटिग रहेगा, वेट लॉस होगा। क्योंकि वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि फैट जो है, फैट जो डिपॉजिट हो रहा था, जम रहा था, वो फैट का मेटाबॉलिज्म होने लग गया, फैटी एसिड में टूटने लग गया वो, ठीक है। तो इसके कारण वेट लॉस भी होगा ऐसे पेशेंट के अंदर, फिर फैट रहेगा ही नहीं तो वेट लॉस देखने को मिलेगा। प्रोलोंग्ड वुंड हीलिंग, ऐसे पेशेंट के अंदर प्रोलोंग्ड वुंड हीलिंग होगी, मतलब कोई भी अगर घाव हो जाता है तो वो जल्दी से भरेगा नहीं। और ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिक्रीज पेरीफेरल सर्कुलेशन, जो पेरीफ्री होती है उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा सर्कुलेशन, और डिक्रीज होने की वजह से वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी, प्रोलोंग्ड हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पेरीफेरल सर्कुलेशन डिक्रीज़ हो गया, ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है पेरीफ्री तक, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्लूकोज डिपॉजिट हो रहा है माइक्रो सर्कुलेशन में, जो माइक्रो वेसल्स थी वहाँ पर जाकर ग्लूकोज जमा हो गया है। और ग्लूकोज जब ज़्यादा जमा हो जाएगा, एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाएगा, उसकी वजह से पेरीफ्री का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और पेरीफ्री में जब ब्लड फ्लो कम होने लगेगा तो वहाँ पर वुंड हीलिंग भी डिले हो जाएगी। आगे देखिएगा, इन्फेक्शन ऑफ रिकरेंट, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज, डिक्रीज फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन डिक्रीज हो गए और न्यूट्रोफिल्स डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, मतलब इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है। अब न्यूट्रोफिल्स के ही फंक्शन डाउन हो जाएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांस मोर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके कारण ऐसे पेशेंट में रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, विजन लॉस। अब रेटिना के ऊपर ग्लूकोज जब डिपॉजिट हो जाएगा तो रेटिनोपैथी होने के चांस होंगे, उसकी वजह से ब्लर्ड विजन, विजन लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं ऐसे पेशेंट के अंदर। अब कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे इसमें, जैसे कि वहाँ पर DKM डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस मिल रहा था फर्स्ट टाइप में, तो सेकंड टाइप में मिलेगा HHNS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक नॉन कीटोटिक सिंड्रोम। यहाँ पर कीटोन बॉडी नहीं बन रहे हैं तो अपन ने लिखा नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, हाइपर ग्लाइसीमिया और हाइपर ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। ये कॉम्प्लिकेशन है सेकेंड टाइप का। अब देखिएगा, डायग्नोसिस GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाते हैं अपन ऐसे पेशेंट के अंदर। तो जो ये इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस है, इसके मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।